कई बार खुदाई में कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जिसका सच जानकर हमारा डरना लाजमी हो जाता है। एक वैम्पायर से लेकर श्रापित किताब तक, आज मैं आपको कुछ सबसे दिल दहला देने वाली खोजों के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन आप भी मेरा दिल दहला सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। तो प्लीज आप अपना काम कर दे, मैं अपना काम करता रहूंगा। साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। द बुक ऑफ द डेड। ऐतिहासिक इजिप्ट की सबसे मशहूर किताब द बुक ऑफ द डेड पूरी दुनिया में इंसानों को मृत्यु के बाद का सच दिखाती है। जी हाँ, ये किताब इतनी फेमस है कि इस पर एक मूवी तक बनाई जा चुकी है जिसका नाम द ममी रखा गया है। यकीन मानिए, ये किताब बिल्कुल असली है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसके अंदर लिखी बातों को सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। ये कोई एक किताब नहीं है बल्कि एक हजारों सालों के अंतराल में इस किताब के कई वर्जन निकाले गए और इसका सबसे अंतिम वर्जन एमनहोटेप के शासनकाल में निकाला गया था, जिसने इजिप्ट पर 1400 बीसी के आसपास राज किया था। इस बुक में पूरी दुनिया से जुड़ी हुई बातें लिखी हुई हैं और पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक इस किताब में लिखी गई बातों को लगातार जोड़ने में लगे हुए हैं और फाइनली 21वीं शताब्दी के शुरू होते ही ये इंतजार खत्म हुआ जब इस किताब के अंतिम कुछ पेज क्वींसलैंड के एक म्यूजियम की बेसमेंट में पाए गए। उस म्यूजियम के अनुसार उनको ये पेजेस 100 से भी ज्यादा सालों पहले उपहार में दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कभी इन पेजेस को डिस्प्ले में नहीं रखा। इस किताब से बहुत जल्द कुछ खास बातें दुनिया के सामने निकाल कर रखी जाने वाली हैं। मुझे खुद इंतजार रहेगा उन रहस्यों का जो इस किताब से खुलेंगे, जिसके बारे में मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। मॉन्यूमेंट्स। सन 1986 में वैज्ञानिकों की एक टीम न्यूजीलैंड के माउंट ओवन में बने गुफाओं के एक जाल में रिसर्च कर रही थी। सभी गुफाएं अंधेरे से ढकी हुई थी, लेकिन इसी अंधेरे के बीच उनकी नजर एक ऐसी चीज पर गई जिसने उनको दहला कर रख दिया। जी हाँ, पहले तो लग रहा था कि उनकी आंखें यहाँ धोखा खा रही हैं, लेकिन बाद में उन्हें विश्वास करना पड़ा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़े जानवर का पंजा पड़ा हुआ मिला और पहली नजर में देखने पर लग रहा था जैसे ये पंजा किसी डायनासोर का हो, लेकिन इस पर अभी भी त्वचा पूरी तरह से चढ़ी हुई थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत इसे उठाया और अपनी लैब में लेकर गए और यहाँ पर अब कुछ टेस्ट शुरू किए गए। यकीन मानिए, इन टेस्ट के परिणाम भी हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि ये रहस्यमय पंजा पूरे 3300 साल पुराना था और लुप्त हो चुके अपलैंड मोआ नाम के एक ऐतिहासिक पक्षी के शरीर से जुड़ा हुआ था। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये पंजा इतनी अच्छी हालत में कैसे है। जी हाँ, इसकी हालत इतनी अच्छी है जैसे कि ये जानवर हाल ही में कुछ समय पहले मरा हो। अपने समय में ये मोआ पक्षी इस दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में गिना जाता था, क्योंकि उसकी लंबाई पूरे 12 फुट की और वजन तकरीबन 350 किलो के आसपास का हुआ करता था। ये पक्षी मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में ही पाए जाते थे, लेकिन तब इस दुनिया में मोआरी कबीले के लोग आए और उन्होंने इस पक्षी का इतनी बेरहमी से शिकार किया कि वो लुप्त ही हो गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज भी इस पक्षी को फिर से जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि अब उन्हें इस पक्षी का असल डीएनए मिल चुका है जिसे किसी भी चिकन के भूंड में डालकर फिर से तैयार किया जा सकता है। पिछले कई सालों से इस काम पर रिसर्च भी चल रही है और एडवांस बायोलॉजी की वजह से हम एक ना एक दिन जिंदा मोआ को फिर से जरूर देख पाएंगे। हेडलेस वाइकिंग ऑफ डोरसेट। जून 2009 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इंग्लैंड के वेमथ में बने डोरसेट में खुदाई कर रहे थे। असल में यहाँ पर सरकार द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाना था, लेकिन इतिहासकारों ने पहले यहाँ पर अपनी खुदाई करने की मांग करी और तभी यहाँ पर उन इतिहासकारों की खुदाई में कुल 54 बिना सर के कंकाल मिले। इसके अलावा 54 में से 51 लोगों के सरों को अलग से काट कर उसके पास ही बनी एक दूसरी जगह पर दफनाया गया था। यकीन मानिए, जब ये खबर मार्केट में आई तो सभी वैज्ञानिकों के कान खड़े हो गए और सभी के मुंह पर एक ही सवाल ये था कि इतने सारे कंकाल किससे संबंध रखते हैं और इन्हें इतनी बेरहमी से मारकर सर और बाकी के शरीर को अलग अलग काट कर क्यों दफनाया गया। इसके बाद ये सामने आया कि ये लोग स्कैंडिनेवियन वाइकिंग्स थे जो कि एंग्लो सैक्सन से हुई युद्ध में मारे गए थे। अगर आपको नहीं पता कि ये युद्ध कब हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि वो समय मिडल एजेस का था जब ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे से भिड़े थे। वैज्ञानिकों ने इन कंकालों के आधार पर एक 3D प्रिंट तैयार किया जिसमें पता चला कि ये मरने वाले सभी लड़के जवान थे और जब इनकी हत्या की गई तब इनके शरीर पर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था, जिसका मतलब ये था कि पहले तो इन सभी 54 लोगों को बिना कपड़ों के ही बंधक बनाकर रखा गया, उसके बाद इन्हें एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इन हड्डियों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके सर को ऊपर की तरफ रख कर इनके शरीर से अलग किया गया ताकि मरते समय ये अपने हत्यारों के चेहरों को देख सकें।
ये बातें पता लगते ही बहुत सारे वैज्ञानिक इस इतनी बड़ी वाइकिंग कब्रिस्तान के लिए अपनी अपनी कहानियां लेकर पहुंच गए। कुछ लोग कहते हैं कि स्कैंडिनेवियन की एक बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी, लेकिन उनकी आर्मी की ये छोटी सी टुकड़ी एंग्लो सैक्सन्स के हाथों फंस गई और मजबूरन उन 54 लोगों को सरेंडर करना पड़ा। उस समय राजा एथरैल्ड द्वारा ये आदेश दिए जा चुके थे कि स्कैंडिनेवियंस को दिखते ही मौत के घाट उतार दिया जाए। ये तो एक कहानी थी, जबकि दूसरी कहानी ये थी कि इन 54 लोगों की मौत जरूर किसी स्कैंडिनेवियन आर्मी के ही अधिकारी ने करवाई थी, लेकिन इन दोनों में से कौन सी बात सच है या फिर कौन सी सच नहीं है या फिर कोई सच है भी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा एक और सवाल ये है कि कब्रिस्तान में शरीर तो 54 मिले थे, लेकिन उनके सर सिर्फ 51 ही, यानी कि 3 सर कम। उनके लिए अनुमान लगाया गया कि वो 3 लोग जरूर किसी बड़े पदों पर तैनात हो गए और उन तीनों के सरों को स्कैंडिनेवियंस की हार के सबूत के रूप में एंग्लो सैक्सन द्वारा इस्तेमाल किया गया होगा। वैम्पायर्स। हाल ही में पूरे यूरोप में ऐसी कई साइट्स निकलकर सामने आई जहां पर एक समय पर वैम्पायर्स को दफन किया गया था, लेकिन इनमें से ज्यादातर साइट्स बुल्गारिया में मौजूद थी। जी हाँ, इन सभी की कब्रों में जो कंकाल मौजूद थे, उन कंकालों के अंदर एक बहुत मोटी धातु की छड़ों को आर पार किया गया था। इन छड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये छड़ें सिर्फ मरने वाले इंसान के दिल को बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। और यहाँ सबसे मुख्य बात जो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में इस तरह से सिर्फ वैम्पायर्स की ही हत्या की जाती थी। सन 2012 में बुल्गारिया के टाउन ऑफ सोजोपोल से एक ऐसा ही कंकाल बरामद हुआ, जरा आप भी देख लीजिए, जिसके बाद ये माना गया कि ये अवशेष सोजोपोल में बने एक किले के राजा के थे जिसका नाम क्रिविच था। मान्यताओं के अनुसार वो एक बेहद बेरहम राजा था और उसकी ही प्रजा ने मिलकर एक दिन उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके भी दिल को चीरते हुए एक लोहे की छड़ उसके आर पार की गई, और ऐसा करने के पीछे सिर्फ यही मकसद था कि वो लोग ये बात सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि ये बुरी आत्मा किसी भी हालत में वापस ना आ जाए। इसके अलावा सन 2014 में बुल्गारिया के ही टेम्पल ऑफ परपेरियन के पास से एक ऐसी ही डिस्कवरी की गई। जी हाँ, यहाँ एक नहीं बल्कि 2 लोहे की छड़ों से चीरती हुई लाशों को बरामद किया गया। ना सिर्फ बुल्गारिया में बल्कि ये काम यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी देखा गया। जी हाँ, सन 2013 में पोलैंड के ग्लिवाइस से वैज्ञानिकों को एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-4 ऐसी लाशों को बरामद किया गया। इन चारों लाशों में सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि इनके सरों को इनके शरीर से अलग करके दोनों टांगों के बीच कुछ इस तरह से रखा हुआ था। इन सारी खोजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वैम्पायर से जुड़ा हुआ अंधविश्वास पूरे यूरोप में फैला हुआ था। अलग अलग वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए तरीके भी अलग अलग थे, लेकिन मकसद सिर्फ यही था कि मरने वाली आत्मा फिर से जिंदा ना हो जाए। सन 2016 में वैज्ञानिकों को एक ऐसी वैम्पायर मिली जिसे देखकर वो आज भी परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, ये एक लड़की की बॉडी थी और रिसर्च करने पर ये सामने आया कि इसे 16वीं सदी में कभी मार कर दफनाया गया था, लेकिन इसमें डराने वाली बात ये थी कि इस लड़की को मारने के बाद उसके मुंह में एक बड़ा सारा पत्थर घुसा दिया गया जिससे उसका जबड़ा कुछ इस तरह से तोड़ा गया था। उनका भी बस यही मकसद था कि वो कहीं से फिर भी वापस जिंदा ना हो जाए। जी हाँ, ये वो समय था जब पूरे यूरोप में ब्लैक डेथ प्लेग फैला था और इसी प्लेग में हजारों लोगों ने अपनी जान दी थी। लेकिन पता नहीं ये अफवाह किसने उड़ा दी कि इस ब्लैक डेथ के पीछे वैम्पायर्स का हाथ है, और फिर लोग ढूंढ ढूंढ कर ऐसे वैम्पायर्स को खत्म करने लगे। एशकलन्स डेड बेबी। सन 1988 में इसराइल के तट पर बसे एशकलोन शहर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खोज की गई। जी हाँ, यहाँ पर सीवर की खुदाई चल रही थी, लेकिन तभी वहाँ काम कर रहे कारीगरों को बहुत बड़ी मात्रा में छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े मिले, जिसके बाद तुरंत इतिहासकारों को वहाँ पर बुलाया गया। पहली नज़र में इतिहासकारों को भी ये लगा कि इतने छोटे हड्डियों के टुकड़े तो जरूर चिकन वगैरह के होंगे, लेकिन जब आगे इनकी जाँच की गई जिसमें साबित हुआ कि ये तो इंसानी बच्चों के अवशेष थे, और जब इन सभी हड्डियों की अलग अलग टेस्टिंग की गई तो उसमें सामने आया कि ये तकरीबन 100 अलग अलग बच्चों के कंकाल थे। जी हाँ, ये डिस्कवरी आज तक की सबसे बड़ी बच्चों की कब्र बनकर सामने आई। वैज्ञानिकों ने टेस्ट में ये तक साबित कर दिया कि इनमें से एक भी बच्चा एक हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। उस समय वैसे ही बच्चों के जीवन दर बहुत कम थी, और इससे ये साबित हुआ कि तब के लोग इस तरह से बच्चों के ग्रुप को ही मार डाला करते थे। इसके बाद जिस जगह पर ये सारे कंकाल पाए गए उस जगह की और गहरी खुदाई की गई, और बिल्कुल इस कब्र के नीचे एक रोमन बाथ हाउस मिला। जी हाँ, ये बाथ हाउस मिलते ही सारी कहानी समझ आ गई, और कहानी कुछ ये थी कि ये सभी बच्चे इस रोमन बाथ हाउस में काम करने वाली वेश्याओं के थे, और जैसे ही उन्होंने जन्म दिया एक के बाद एक सभी बच्चों को वो लोग मारते गए। रोमन टाइम में इस तरह
तरह से बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना बहुत आम बात थी। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि रोमन सभ्यता में बच्चों को एक पूरा इंसान समझा ही नहीं जाता था, इसलिए उनकी हत्या करना उस जमाने में कोई गुनाह नहीं था। कुछ कुछ ऐसी ही एक और डिस्कवरी सन 1912 में इंग्लैंड में की गई थी, जब एक रोमन विला की खुदाई वैज्ञानिकों द्वारा बकिंगम शायर में चल रही थी, जिसमें वहां वैज्ञानिकों को 197 बच्चों के कंकाल मिले। और यहां भी वही सेम थ्योरी अपनाई गई कि ये सभी बच्चे उस रोमन विला में काम करने वाली वेश्याओं के थे, क्योंकि उस समय किसी भी तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह नहीं होती थी जिससे उस समय वेश्याओं का अबॉर्शन करवाया जा सके। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अननोन नेम को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।